अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपडेटा की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उन सबको खुश आमदीद, और जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो मैं अपने टॉपिक में बताने वाला हूं वो इसके हवाले से है कि किसी भी एसी में गैस जो चार्ज होती है R22 या R410a, उसका प्रेशर जो है वो कितना होता है। तो हमारे पास जो कुछ हमारे मैकेनिक हैं वो कुछ इस लिहाज से उनको समझना चाहिए कि वो कभी कई बार जब एसी गैस चार्ज करने जाते हैं तो देखते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या है, उसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि गैस चार्ज करने वाली है या नहीं। इसमें सबसे बड़ा तो फॉल्ट ये है कि जब हमारे पास मौसमी तब्दीली आती है, यानी गर्मी के बाद जो है वो सर्दी आती है, उस सर्दी के दौरान ऐसे होता है कि हमारी जो गैस का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर हमारा एसी चाहे हीटिंग पर भी चल रहा हो, इसके बावजूद भी हमारे गैस का प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि हमारा वेदर टेम्परेचर जो है वो इंतहाई कम होता है। अगर आप कोई भी प्रेशर गेज लगाएंगे तो आपको आम जो आपका टेम्परेचर है वो आप प्रेशर है उससे जो है वो कम प्रेशर आपको वहां पर मिलेगा। अगर R410 की बात कर लें तो उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर उस वक्त होगा जब सर्दियों का मौसम होगा तो वो 120, 125, 130 के करीब होगा। अगर गर्मी का सीजन है तो यही प्रेशर जो है ये हमारा बढ़कर 270 से 300 तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले देखनी होती है कि कौन सा मौसम है, किस वेदर के अंदर हम लोग खड़े हैं। अगर वो मौसम ठंडा हो, मिसाल के तौर पर गर्मियों के अंदर भी अगर बारिश हो जाए तो उसमें गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, स्टैंडिंग प्रेशर भी कम हो जाता है, तो उस वक्त उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे इस एसी के अंदर जो है वो गैस नहीं है। क्योंकि हमारे जो मैकेनिक भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि इसके अंदर जो है ना गैस की कमी हो गई है, तो उस गैस की कमी को पूरा करने के लिए वो उसमें गैस और चार्ज कर देते हैं, गैस रिफिल कर देते हैं, जिसकी वजह से नए फॉल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि जब आपका टेम्परेचर, जब सर्दियों का मौसम है या मौसम ठंडा है उस वक्त प्रेशर कुछ और होते हैं, और जब हमारे पास जब रनिंग होती है, सीजन होता है, यानी गर्मियां जिसमें एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है गैस का, सक्शन प्रेशर, वो बहुत ज्यादा हद से जो है वो बढ़ जाता है। वो आपकी एक्चुअल रेंज जो आपने सीखा होता है या देखा होता है या पढ़ा होता है उसके मुताबिक वो एक्चुअल रेटिंग के ऊपर आपका गैस प्रेशर चला जाता है। तो आज आपको यही बताना था कि आप जब भी गैस चार्ज करते हैं या गैस को चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसे देख लिया करें कि वहां पर आपका प्रेशर जो है वो क्या है, कहीं ये ना हो कि उसके अंदर वो स्टैंडिंग प्रेशर आप सर्दियों के अंदर चेक कर रहे हो और आप जो है उसे उसमें गैस को एक्स्ट्रा रिचार्ज कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि उसमें गैस ओवर हो जाएगी। तो गैस ओवर की वजह से आपको पता है कि उसमें फिर अदर फॉल्ट जो है वो आने लग जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो उसको कोशिश करें कि पहले प्रेशर चेक करें, फिर उसके बाद कोई भी उसमें जो है वो गैस आप चार्ज करें। तो आज के लिए यही मैसेज था आप सबके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हाजिर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।